वेलकम बैक। यात्रा शब्द क्या होगा? तो यात्रा पुल्लिंग होगा। चमक शब्द क्या होगा? चमक जो है चमक रही है, चमक रही स्त्रीलिंग। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। पुराण का विशेषण क्या होगा? पौराणिक। भीड़ शब्द, भीड़ समूह का बोध होता है तो समूहवाचक। ग्राम का विशेषण क्या होगा? ग्रामीण। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। यह नया माल है, नया क्या होगा? तो नया विशेषण हो जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली है उसे क्या बोलेंगे? दीक्षित। शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो शिव के पुजारी को शैव बोलते हैं। आस्तीन का साफ होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? घर में छिपा शत्रु। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तुच्छ होना, कम वैल्यू का होना। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आशंका होना। तूती बोलना, तूती बोलना का मतलब धाक जमाना। उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना। रसोई घर कौन सा समास है? रसोई का घर तत्पुरुष। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? जिसके शिखर पर चांद हो अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास होगा। वर्मानुष शब्द में कौन सा समास होगा? वन में रहने वाला मानुष, तत्पुरुष। त्रिफला कौन सा समास है? संख्यावाचक होगा तो द्विगु समास। धीरे धीरे कौन सा समास होगा? अव्यय है तो व्ययीभव समास। लीड बेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। उदय प्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 1952 में। तिरिच किस प्रकार की रचना है? चलिए एक पूरे ऑप्शन में दिखाता हूँ। तिरिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी वाला। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम है? मदन मोहन गोगलानी। कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या है? हरदेव शाह। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? उषा। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। भूषण की कविताओं में कौन सा रस था? वीर रस। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं होती, शिक्षा पाठ से लिया गया। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? उसने कहा था। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? शिक्षा के हैं जय कृष्ण मूर्ति। निम्न में से किस कहानी में गैंगरीन? गैंगरीन नाम से 1934 में रोज ही छपा था। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। ओ सदनीरा किस विधा की रचना है? ये निबंध होगा। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए फटाफट। वैर में रामायण किनकी रचना है? तुलसीदास की रामायण की चर्चा। बिज्जक की रचयिता कौन है? देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं इजी पूछे जाते हैं एग्जाम में। कबीरदास। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस का विशेषण होगा आलसी। अधपका में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अध। सपरिवार शब्द में उपसर्ग कौन होगा? स हो जाएगा। अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय? अंकुर जोड़ इत। अंकुरित में क्या होगा? इत प्रत्यय। महिमा में कौन सा प्रत्यय? मही जोड़ ईमा, महिमा। आनंदमय में कौन आनंदमय कौन सा समास होगा? आनंदमय यानी आनंद पूर्वक, आनंद तत्पुरुष। नवरत्न शब्द कौन सा समास है? नवरत्न मतलब नौ तद्युगु। चंद्रमौली शब्द कौन सा है? चंद्रमौली, जिसके मौली मतलब शिखर, शिखर पे चांदो बहुव्रीहि अर्थात भगवान शिव। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कठिन परिश्रम करना। मुट्ठी में करना इसका क्या होगा? वश में करना। सूरदास किस भाषा के कवि? ब्रज भाषा।
दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। आइए 53 क्वेश्चन नंबर, वो सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन क्या है? गहरे और विशाल ताल को कहते हैं। किसकी विजय हुई? सेना की, नागरिकों की, कहाँ से ली गई हार जीत? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? सागर मध्य प्रदेश। कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम है? इवान दमिचित्र चेरखोव। ईमानदार शब्द का उल्टा क्या होगा? बेईमान। आवरण का उल्टा क्या होगा? तो आवरण का यहाँ पे अनावरण। उज शब्द का विलोम क्या होगा? उज का नीच हो जाएगा। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर का कोमल हो जाएगा। पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया। अंतन चेकव की कहानी कौन है? कलर की मौत। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? सुखदेव। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? उसने कहा था। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? काराधीक्षक। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? शुक्ल। स्तुति शब्द का क्या होगा? निंदा। संध्या शब्द का क्या होगा? प्रातः। दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? दूषित का होगा स्वच्छ। शेष का क्या होगा? अशेष। गोद में सोने वाला पुत्र को अंकशायी बोलते हैं। गुरु के समीप रहने वाला को अंतेवासी बोलते हैं। जिसका खंड ना किया जा सके उसे अखंडनीय बोलते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो तो अग्रज, आगे, पीछे जन्मता तो अनुज। जिसके बिना काम ना चल सके आवश्यक हो जाएगा। जो खाने योग्य हो खाद्य बोलेंगे। अनल शब्द का पर्यायवाची आग हो जाएगा। आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीवी हो जाएगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? परेशानी। डरावना का क्या होगा? भयानक। क्योंकि डरावना विशेषण है तो उसके लिए भय नहीं भयानक ही होगा। रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रक्षक, रक्षा जो अक। परलोक शब्द में उपसर्ग है, परलोक में पर उपसर्ग है। अज्ञान शब्द में उपसर्ग होगा अ। नकलची शब्द में प्रत्यय होगा नकल जोड़ ची, नकलची। यशोदा का संधि विच्छेद यश जोड़ता। संसार का संधि विच्छेद सम जोड़ सार। पवन का संधि विच्छेद पो जोड़ अन। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद उत जोड़ योग। कुहासा शब्द क्या होगा? तो पुलिंग होगा। घी शब्द भी क्या होगा? पुलिंग। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभदास की। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य का नाम क्या है? कामायनी। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? महादेवी, सॉरी, सुभद्रा कुमारी चौहान। मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती रोज की है। ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन सी है? गांव का घर। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूर्यदास। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? वृंदावन। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? 1904 में। और मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? सैयपुर में। तो इस तरीके से आज के सेशन में बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले सेशन तक। तब तक करें, थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय।